शॉप नहीं दिखाने वाले, हर चीज़ नहीं दिखाने वाले, सिर्फ आज आपको हमको कावासाकी के बारे में दिखाने वाले हैं। ड्रीम कलेक्शन भैया का, और भैया के पास सारी बाइक्स अवेलेबल है कावासाकी की, जो कि यार कावासाकी के वेस्ट दिल्ली तक पे भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे सारी अवेलेबल है। तो अभी हमारे पास जस्ट ZX10r खड़ी है, जिसके हम सबसे पहले आपको डिटेल्स देंगे, फिर अंदर 1000 खड़ी है, 900 खड़ी है, 800 खड़ी है, BMW भी खड़ी है, सारी हम बात आज आपको बाइक दिखाएंगे। और एक बहुत ही सुंदर बाइक खड़ी है अंदर, एक Z1000। कैसे आप? बढ़िया जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया भैया। और कैसी चल रही है? जब हमारी पिछली वीडियो थी वो भी बहुत अच्छी चली थी, डुकाटी के ऊपर थी, और जैसे कि भैया ने बोला था कि अब BMW आ चुकी है, तो बस वहीं कोने में खड़ी है सेकंड BMW, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखा देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं 10R के साथ। ZX10r के बारे में, ZX10r भैया इसकी डिटेल्स जानते हैं आपसे एक बार। तो गाइज मैं बता दूं आपको, ये बाइक है 2014 का मॉडल, कावासाकी ZX10r, और बाइक के अंदर एसेसरीज ये आपको ब्रदर दिखाई देंगे। इसके अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, स्लाइडर लगे हुए हैं, और बार एंड्स लगे हुए हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर शॉकर स्पूल्स भी लगे हुए हैं। सबसे स्टार्टिंग में वही है, और थोड़ा पीछे आते हैं तो आपके स्लाइडर्स लगे हुए हैं, फिर हम थोड़ा पीछे आते हैं एग्जॉस्ट के बारे में अगर बात करें, एग्जॉस्ट के बाद भी अभी आपको सुनाते हैं दोस्तों। और बाइक चली हुई है सिर्फ और सिर्फ 10,000 किलोमीटर, और बाइक बहुत ही क्लीन कंडीशन में है। तो इससे ब्रेक लाइंस भी डली हुई हैं दोस्तों, और बाइक बहुत ही मिंट कंडीशन में है। दोनों टायर इसके ब्रांड न्यू हैं, सर्विस रिकॉर्ड है इस बाइक का हमारे पास, और बाइक का हमने प्राइस रखा हुआ है 10,000 रुपीज़ हमारा आस्किंग प्राइस है, और जो कि नेगोशिएबल है ऑन टेबल। तो आप आइए बाइक देखिए, इसके बाद सुनाए और पीछे आएंगे तो इसके अंदर देखेंगे ब्रदर, क्योंकि आपके मैक्सिमम बाइक्स में देखा होगा आपने, इसके अंदर टू एग्जॉस्ट होते हैं, टू माउथ होते हैं, बट इसके अंदर फोर पाइप एग्जॉस्ट है। तो ये बहुत ही लाउड बाइक है, अभी हम आपको उसके बाद भी सुनाएंगे। और इसका कलर देखो पहले। और आप कलर देखो दोस्तों, इसका इतना सुंदर कलर है इस बाइक के अंदर, ये सिल्वर एंड ग्रीन जो कॉम्बिनेशन है Z1000 का, बहुत डार्क ग्रीन। तो दोस्तों डिटेल्स में मैं आपको इस बाइक के बारे में बता दूँ, ये आपको फर्स्ट ओनर बाइक है, और सेकेंड की भी इस बाइक की अवेलेबल है, और इस बाइक के अंदर इंश्योरेंस मैं आपको दोस्तों बता दूं, पूरे साल की इंश्योरेंस इस बाइक की वैलिड है, और बहुत ही मिंट कंडीशन बाइक है, बेस्ट सर्विस रिकॉर्ड है ये बाइक, नॉन एक्सीडेंटल। दोनों टायर्स इस बाइक के ब्रांड न्यू डले हुए हैं, आप टायर्स पे देखेंगे तो दोनों टायर्स इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। सेकंड की भी मैंने आपको बताया, ग्रूव्स तक नहीं उतरे हैं एग्जैक्टली,
उसकी पहचान होती है कि टायर ब्रांड न्यू है अभी। और इतनी क्लीन बाइक है, इतनी रेयर बाइक है एक्चुअली ये बाइक जो है कावासाकी की, बहुत ही डिमांड में रहती है ये बाइक। और बड़ी मुश्किल से ही हमने लोगों ने इस बाइक को यहाँ पर लेकर आए हैं। और इस बाइक का प्राइस मैं आपको बता दूँ दोस्तों, 9.5 लाख रुपये हमने इसका आस्किंग प्राइस रखा हुआ है, जो कि नेगोशिएबल है ऑन टेबल। और बाइक के लुक देखो आप, ये आपको दिखाएंगे 9.5। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास कावासाकी के सारे मॉडल्स रेंज हैं, तो ये कावासाकी Z900 है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी 900 में ग्रेल लगी हुई है, RNG के स्लाइडर्स लगे हैं, आपके एक्सिल का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसमें ओरिजिनल एग्जॉस्ट है ये एक्सिल का। हाँ जी, एंड कैन से लेके एंड पाइप तक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और बाइक का 2018 का मॉडल है ये बाइक, और 4200 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। और बाइक का जो प्राइस हमने रखा हुआ है 7,20,000, जो कि नेगोशिएबल है। और अगर साथ में एक और 900 खड़ी है, सेम इस बाइक की भी बिल्कुल सेम डिटेल है दोस्तों, एग्जॉस्ट स्लाइडर्स ये सब इसके अंदर लगे हुए हैं। 2018 का ये मॉडल है, मैन्युफैक्चर भी 18 है, बट इसमें SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और बाइक का प्राइस हमने भी सेम 7,20,000 रखा हुआ है, क्योंकि ये भी 2018 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है, दिल्ली रजिस्टर्ड बाइक है, और किलोमीटर भी इसके 3200 किलोमीटर चले हुए हैं। तीन कावासाकी की बाइक्स को लेके, Z1000, Z900 और एक Zx10r। अगर इसे अगर मैं साइड में आपको हल्की सी झलक दिखाऊं किसी बाइक की जिसकी आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो भाई ये BMW S1000 आ रहा है। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में कहा था कि यार BMW आने वाली है, और सबसे पहले जो नई BMW आएगी वो आपको Mysteryboy के ब्लॉग्स पर दिखेगी, वही आ चुकी है। इसके अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो BMW पे ही होगा, क्योंकि मैं कल आके बना के चला जाऊँगा आपके लिए वीडियो। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वाली BMW देखनी है, क्योंकि ओनली फॉर योर डिमांड हम वीडियो लाते हैं। अगर आप डिमांड करते हो तो हम वीडियो बनाते हैं, वरना हम वीडियो नहीं बनाते। और सैम भाई ने बताया दिया आपको तीन बाइक्स के बारे में, तीनों बाइक्स के अच्छे से डिटेल दिया है। अगर आपको कोई सी भी कावासाकी की बाइक लेनी है, या अगर आपकी कोई सी भी डिमांड है बाइक को लेकर, तो भैया से एक बार आप पूछ सकते हो। भैया आपका फेसबुक पेज होगा? हाँ जी, मेरा एक फेसबुक पेज है, जो पेज है हमारा फुल थ्रॉटल के नाम से भी है, और एक है डील्स इन सुपर बाइक्स फुल थ्रॉटल के नाम से भी है। भैया कोई इंस्टाग्राम की भी पिछली वीडियो में बंदा पूछ रहा था कि अगर आपका कोई पर्सनल इंस्टाग्राम हो जो आप खुद हैंडल करते हो, उस पर भी अगर आपसे आके वो डिटेल। इंस्टाग्राम में भी जो मेरा पेज का नाम है वो है सैम भव्य के नाम से, सैम भव्य। गाइस मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे मेरा आ रहा होगा, यहाँ पे भैया का आ रहा होगा, और जाके फॉलो जरूर करें। कोई भी इंक्वायरी हो तो जाके पूछ सकते हैं, और भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं। इतनी मिंट कंडीशन में बाइक्स ना, गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि न्यू बाइक लेने में क्या होता है, उसके अंदर आपको सारी इतनी सारी एसेसरीज नहीं मिलती है, बट वही अगर आप सेकेंड हैंड बाइक मिलते हो तो उसमें आपको सारी एसेसरी लगी हुई मिलती है। तो वैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको न्यू लेनी है या यहीं से सेम न्यू कंडीशन वाली बाइक लेके आनी है। थैंक यू। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।